साहब। मेरा नाम राना तौल मजीद है, मेरे अबू का नाम है राना ज़ियाउद्दीन साहब। मैंने आपसे पूछना था कि जब हम ये ईसाई लोगों को बताते हैं कि हमारा मज़हब क्या है, हम ईद क्यों मनाते हैं, और बाबा आदम दुनिया के पहले इंसान थे, तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ उनको भी पता है और वो भी यही कुछ कहते हैं, सिर्फ नाम दूसरे हैं। और वो हमें कहते हैं कि हमारा इस्लाम हमारे ये कुरान बाइबल के बाद आया है, इसलिए मुसलमानों लोगों ने। तुम जो बातें पूछ रहे हो इससे पता चलता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सही तौर पर इस्लाम का ऐसा तारुफ नहीं करवाया जिसे तुम लोगों के सामने पेश कर सकते हो, और फ़र्क नहीं बताए जो इस्लाम में और दूसरे मज़ाहब में हैं। माँ बाप को अगर नहीं इल्म तो मुरबियों का काम था, खुदामुल अहमदिया का या अंसारुल्लाह का काम था, दूसरी तंजीमों का काम था, जमात के निज़ाम का काम था कि तुम्हारी तरबियत करते, तुम्हें बताते कि असल क्या चीज़ है। इसलिए ये सारी तालीम दोबारा देना यहाँ मेरा काम नहीं है। तुम्हारे जो सुन रहे हैं सारे मुरबी वगैरह और अमीर साहब भी, ये ऐसे बच्चों के लिए तरबियत का इंतज़ाम करें जिनको ये नहीं पता कि दुनिया के सामने इस्लाम को किस तरह पेश करना है। वो लेकिन कहते हैं कि ये सब कुछ ना, मैंने सुन लिया है, मेरी बात समझ लो। ये तफसीली जो बातें हैं ये यहाँ इस वक्त थोड़े वक्त में नहीं हो सकती। अमीर साहब और खुदामुल अहमदिया वगैरह मेरी बात सुन रहे हैं, कोई ऐसे बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करें जिनको गैरों से गुफ्तगू का पता ना हो किस तरह की जाती है, जिन पर सवाल हो तो उसका जवाब ना दे सकते हों। ये लंबी तरबियत की मोहताज बात है, इसलिए इस छोटी सी मजलिस में इसको मैं नहीं छेड़ सकता। समझ गए बात?